हाय दोस्तों दोस्त, फिर स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके पूछा था कि सर, हमारा पैसा इतना कम क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में और आप लोगों को विधिवत समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज आप लोगों को इसके बारे में मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी दिया था कि आप लोगों का पैसा कम क्यों आ रहा है और इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हो सकता है बाद में आप लोगों को इसके बारे में इससे भी या फिर कंपनी द्वारा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए, मैं आप लोगों को पहले फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मौर्य जी लाइव टच आप लोगों को डेली टेक्निकल एंड चिटफंड कंपनियों से जुड़ी न्यूज आप लोगों को डेली देता रहेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूँ कि उन PSL निवेशकों को इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब वे आवेदन कराने गए थे। तो वहाँ पे उनको पहले बताया गया था कि बहुत उन्होंने यानी कि जो टर्म कंडीशन था उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टर्म और कंडीशन में उन्होंने पहले बताया था कि जो रसीदें आप लोग सबमिट कर रहे हैं आप लोग उसको भी अपने पास रख लेना। ओके, जो आप जो दस्तावेज उनके पास भेज रहे हैं उसकी एक प्रति उनके पास भेजना है और बाकी अपने पास रखना है, यानी कि आप ऑनलाइन कराइएगा। तो ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑनलाइन जब कराया था तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि जिसका क्लियरली अपलोड नहीं हो पाया है, यानी उन कंपनी के पास पूरा क्लियर अपलोड नहीं हुआ है। ना तो हो सकता है वहाँ पर कुछ दिखाई न पड़ रहा हो। मान लीजिए आपने हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किया और जब तक वो क्लियरली मुझको नहीं दिखेगा तो मैं कैसे मान लूँ कि ये आप ही का है। बहुत जगह होता है कि उसमें रसीद में एक्नॉलेजमेंट यानी कि आपका रसीद अंक गलत है। और कहीं पर ऐसा बहुत से दोस्तों का ऐसा हुआ कि वहाँ पर किसी और बॉन्ड का जो होता है किसी और बॉन्ड के साथ किसी और बॉन्ड का रसीद अपलोड कर दी गई है, कोई और रसीद अपलोड करने के बजाय वहाँ पर कोई और रसीद अपलोड कर दी गई है। तो ऐसा करके जो रसीद जो बॉन्ड होता है जिसके हिसाब से सही रजिस्ट्रेशन होती हैं वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रसीद रहे होंगे उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। तो यानी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि सर, हमारा 5,000 यानी 5,000 के आसपास उनका जमा हुआ था और हमारा बैलेंस इतना कम क्यों आया। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ कि भाई साहब, आपने जब वहाँ पे साइबर कैफ या फिर जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो क्या उन्होंने पूरी की पूरी रसीद अपलोड आप यानी कि उन्होंने किया था? अगर उन्होंने पूरी रसीद आपको अपलोड किया था तो आपको पैसा पूरा आना चाहिए। अगर उन्होंने पूरी रसीद अपलोड की थी तो या फिर यहाँ पर एक गलती हुई होगी कि वहाँ पर जो आपकी रसीदें थी उनमें से कुछ क्लियर नहीं रहा होगा, जिससे कि कंपनी को पूरा देखने में समझ में आए। ठीक है, अगर यहाँ पर उनको पूरा समझ में आता तो आपको पूरा का पूरा पैसा वो कंपनी ज़रूर देती। अगर उनको जहाँ पर नहीं समझ में आया इसलिए उन्होंने उस रसीद को हटा दिया है, उनको जितनी रसीदों के समझ में आया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा सेंड किया है। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ कि जो बात मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ वो आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे मौर्य जी लाइव टच चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। उन निवेशकों को इन्फॉर्मेशन देंगे जिन निवेशकों का बहुत कम पैसा आया है या फिर उन निवेशकों का पैसा आया ही नहीं। तो आज हम लोग इसी पर जो संगठन जो हमारे महेंद्रपाल सिंह जो काम कर रहे हैं इस पर संगठन पर, उन्होंने जो हम लोगों को एक साथ होने का बात बताई है तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि
कि इस कमेटी द्वारा हम लोगों को कौन कौन से फायदे होंगे, तो पीएसएल निवेशक अपना पैसा कैसे ले, तो ये से भी हम लोग को पूरा पैसा देगी या नहीं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मोरजी लाइव टच को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि चिटफंड कंपनी से जुड़ी रहेंगी, जो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी और हर इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेस्ट दूंगा मैं। तो दोस्तों आप लोग, मैं बता दूं कि अगर आप जिन निवेशकों का पैसा भी नहीं मिला है या फिर हम लोगों का निवेशकों का पैसा अभी तक आया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करता है, हमें समय लगता है हम लोगों को कि ये सेबी बेवकूफ़ बना रही है या हम पैसे निवेशकों को बेवकूफ़ समझ रही है या फिर पैसा देना नहीं चाहती। ठीक, तो दोस्तों ऐसा करना है कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे सेबी हम लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा तो करना ही होगा जिससे कि सेबी हम लोगों को पूरा पैसा दे, यानी कि खाना पूर्ति वाला सिस्टम ना रहे कि जैसे इस टाइम हो रहा है कि हम लोग इतना सारा पैसा जमा करने के बावजूद, जैसे मान लीजिए हमने 5-10 हज़ार जो हमारे पास हो सका हमने जमा किया है कि हम बाद में ये काम आएगा, तो सेबी क्या करता है कि जहाँ 10-15 हज़ार मैंने जमा करने के बाद जब हम उसको रिफंड अपना लेना चाहते हैं तो वो हमको 1,000 या 500 इतना देता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ना हमको इतना पैसा चाहिए या हो सके तो हमारा पूरा पैसा दे, नहीं तो ये भी ना दे, खाना पूर्ति वाला काम नहीं है, हम लोगों को पूरा पैसा चाहिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करना है, हम लोगों को एकत्रित होना है। जैसे कि पहले से हम लोग काम करते आए हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हम लोगों को होता आया है, ऐसे नहीं कि हम लोग जो संघर्ष करते हैं कि उसका हम लोगों को फ़ायदा नहीं है, नहीं, उसका जो हम लोग संघर्ष करते हैं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा पड़ता है, मिलता भी है। तो इसी प्रकार हम लोगों अपना संगठन को कामयाब बनाए और महान महनपाल जी ने जो संगठन चलाया है, जो काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग उनका भी सहयोग दें, उनका भी मदद करें, जिससे कि हम पीएसएल निवेशकों का पैसा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर आप जो समझना चाहें समझ लीजिए कि महनपाल जी जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पीएसएल निवेशकों के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग भी उनका बहुत मदद करें हो सके तो, आप जितना भी हो सके आप लोग उनका सहयोग करें, उस मीटिंग में भी इनका सहयोग दें, जो जो हो सके आप लोग भी करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने अपना पैसा लेने के लिए सेबी को बेतोड़, यानी कि सेबी को दिखा देना है कि उनकी औकात क्या है, हम लोगों को पे पिए जो पैसा लेकर भाग रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, पैसा देना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि सेबी हम लोगों को पूरा पैसा दे, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा करने के लिए जब तक हम लोग एकत्रित होंगे नहीं तब तक हम लोग ऐसा कुछ कर सकते नहीं, जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं तब तक सेबी पैसा हम लोगों को देगा नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग एकत्रित हो जाइए और एक होकर के काम करिए जो भी करना हो। बहुत लोग ऐसा उधर हो, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, ऐसा नहीं दोस्तों, हम लोगों को पूरा पैसा लेना है। इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर आ गई है कि यहाँ पर बहुत से दोस्त बोलते हैं, जैसे मैंने एक बहुत, यानी जब दिल्ली में मीटिंग हो रही थी रामलीला मैदान में जब चल रहा था, तो मैंने बहुत से दोस्तों बोला कि चलिए दोस्त मैं अभी चलिए वहाँ पर कुछ देख लेता हूँ कैसा क्या होता, तब बोले कि पैसा हमारा फंसा हुआ तुम्हारा नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो नहीं करना ना चाहिए ना, कि मान लीजिए हम लोग सहयोग करें और आप लोग भी पीछे हट जाएँ तो बोले कि नहीं बाद में चलेंगे या चलेंगे वो चलेंगे, तो ऐसा नहीं करना दोस्त। जहाँ पर हो सके अगर कोई कुछ हो रहा है विशेष के मामले में तो आप लोग तुरंत पहुँचिए और जो हो सके आप लोग भी सहयोग करिए ताकि हम लोगों का पैसा भी मिल जाए। ओके दोस्त, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों आप पीएसएल का पैसा लेने के लिए आप लोग एकत्रित हो जाइए और सभी का सहयोग रखिए।
और जो भी संगठन हम लोगों को पैसा दिलाने में मदद कर रही है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी उसका मदद करें, ताकि उसके थ्रू हमको पैसा भी पूरा मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी अधिक से अधिक से वीडियो को शेयर करेगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू फॉर देखने के लिए। हमने जो फार्म फिलअप किया है 5,000, 2,500, 2,000, 3,000, मतलब 5,000 से नीचे वाले का जब बार बार लोग यही कहते हैं, चैनल पे भी बताया जाता है कि पैसा चालू हो गया, और सेबी के जो पोर्टल है उस पर भी बताया जाता है पैसा देना स्टार्ट हो गया, और इतने लोगों को पैसा हम दे चुके। जब सेबी इस बात को कहती है, तब हमने अपने चैनल पे देखा कि लोग बार बार यही पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमने 5,000 का जो आवेदन किया था, सही फार्म भरा था, फिर भी पैसा हमारा नहीं आया। इसी पर बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज आते हैं दोस्तों अपने न्यूज पर। दोस्तों, बहुत से लोगों ने बताया हमने फार्म अच्छी तरीके से फिलअप करवाया है, किसी प्रकार की गलती नहीं की है, जैसा उसमें बताया गया था फार्म भरने के लिए उसी प्रकार फार्म भरा था, कोई गलती नहीं की थी। हमारे स्पष्ट बॉन्ड, जो बॉन्ड की कॉपी थी, उसको स्पष्ट बढ़िया अच्छी तरीके से डाउनलोड किया था और सारे अक्षर उसमें दिख रहे थे दोस्तों। और जो रसीदें थी, हमने अच्छी तरह से अपलोड किया है, किसी प्रकार की उसमें गलती नहीं की, बताए हुए नियम का फॉलो किया था और अच्छी तरीके से फार्म फिलअप किया, फिर भी हमारा पैसा नहीं आया, ऐसा लोगों ने बताया। फिर भी सेबी ये बता रही है, यह हाँ मतलब कि यह कहकर हाथ झिड़क रही है कि हमने इतने लोगों को पैसा दे दिया, अब जो बचे हैं 5,000 से नीचे वाले, वो ही लोग बचे हैं जिनमें त्रुटियां हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सारे के सारे फार्म 5,000 से नीचे वाले गलत हो गए, सभी फार्म गलत हो गए, शंका उठती है दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ होगा, सारे फार्म गलत नहीं हुए हैं, जानबूझकर से भी पैसा नहीं दे रही है। जैसा कि हम खुद चैनल चलाते हैं और हमने भी फार्म फिलअप किए थे, बहुत सारे फार्म फिलअप करवाए और किए भी, और उसमें से बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं, सच में सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, उसमें बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं। जो अपने हाथ से किया है, वो अच्छी तरीके से सही सही फार्म फिलअप किया है, किसी प्रकार की गलती नहीं की है दोस्तों। हाँ, सही में बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं, और सेबी पैसा नहीं भेजते, झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, और उसने पैसे नहीं भेजे हैं, जो सही फार्म है भरे हुए हैं, फिर भी उनके पैसे नहीं भेजे हैं, ये झूठ बोल रही है दोस्तों। दोस्तों, अगर इसे सही से काम करना होता तो हम तो रिक्वेस्ट बार बार अपने चैनल पर करते हैं, और सेबी वाले से कहना भी चाहते हैं कि ये सेबी वाले, आप लोग जो सेबी के अधिकारी अगर हमारा वीडियो देखें, तो हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो सारी रसीदों की मांग करते हैं, पहला नंबर तो रसीदें ना मांगे, केवल वो मांगे बांड, केवल बांड मांगे, और बांड के साथ साथ जो बैंक अकाउंट मांग लें, और आधार कार्ड मतलब कि कंपलसरी, पैन कार्ड को कंपलसरी ना करके जो है कि आधार कार्ड मांगे, पहचान पत्र मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, इस प्रकार के ऑप्शनल करके के मांग लें और सारे लोगों को पैसा दे दे। लेकिन सेबी इतनी धड़ल्ले से बेईमानी पे उतर आई है, ये जो है कि पैसा नहीं देना चाहती, इस नाते सारे ऑप्शन लगा रही है और सारी बारीकी से कागजों को वेरिफिकेशन में लगी हुई है, और जरा सा मिस्टेक होने पर पैसा नहीं दे। अगर इसी प्रकार दोस्तों
दोस्तों इसी प्रकार पीएसएल को पैसा देना होता, जिस प्रकार से सेबी दे रही है। अगर इसी प्रकार से पीएसएल को देना होता तो ये 2014-15 में ही दे चुकी होती, जिस प्रकार से सेबी दे रही है। इस प्रकार से पीएसएल को अगर देना होता तो बहुत पहले पैसा दे चुकी होती। ये जो 60,000 करोड़ का मामला जो फंस रहा है, ये मुश्किल से 1,000 ही करोड़ में निपटा देती। तो दोस्तों बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बेईमानी करेगी तो ये कम, बहुत कम ही पैसे में लोगों को निपटारा कर देगी, और यहाँ ये कहकर हाथ लग देगी कि हमने सभी लोगों को, जो लीगल लोग थे, जो जिसके नाम सही पाए गए, जिसके मतलब कि सब कागजात मुहैया कराए सेबी को, और अच्छी तरीके से प्रमाणित हो, वेरिफिकेशन हो चुका है और सही पाए गए, हम लोगों को पैसा दे दिया। और बाकी वो लोग हैं जिनका पीएसएल में पैसा जमा ही नहीं है, वो अपन सही कागज नहीं दे पाए, इसलिए हमने उनको पैसा नहीं दिया, ऐसा कहेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों बात ये उठना चाहिए, चाहे संसद के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से, हमारा पैसा पूरा मिलना चाहिए, इस नाते मिलना चाहिए। अगर हमारा पैसा, पैसे के देने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट को इस तरह वेरिफिकेशन किया जाएगा, और क्योंकि लेते समय हमारे कागज बहुत गलत तरीके से वहाँ पर डाले गए थे, उल्टा सीधा एजेंटों ने नाम डाल दिया, उल्टा सीधा फोटो लगा दिया, और उल्टा सीधा मतलब सब काम उल्टा सीधा हुआ है। दोस्तों पैसा लेते समय पीएसएल जब पैसा लेती थी, अगर उनके पास, एजेंट के पास फोटो भी नहीं था, तब वो पीएसएल पैसा ले लेती थी। नाम गलत होता था तब भी वो पैसा ले लेती थी, आईडी में नाम कुछ दूसरा है, और फार्म जमा करते समय जब पीएसएल में हमने पैसा जमा करवाया तब की बात करते हैं दोस्तों, कुछ गलत है तब भी पीएसएल पैसा ले लेती थी। इस बात का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता संसद में कि पीएसएल गलत तरीके से पैसा वसूल करती थी, देते समय इतनी बारीकी से जाँच होगी तो किसी को पैसा मिल ही नहीं पाएगा, सारा पैसा सेबी के पास बचा रहेगा। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा किसी भी तरीके से उठे, तब ये उठना चाहिए, बहुत बारीकी के साथ उठना चाहिए कि हम लोगों का पैसा गलत तरीके से, गलत फार्म फिलअप करके, सारे पैसे गलत नाम से, गलत मतलब कि एड्रेस प्रूफ से जमा होते रहे हैं, तो और जब देने की बारी आई, इतनी बारीकी से जांच होगी तो किसी को पैसा मिल नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरत है दोस्तों कि जो फार्म फिलअप गए हैं इतनी बारीकी से जांच ना हो, और इतने डॉक्यूमेंट ना मांगे जाएं, इतने रसीदें ना मांगी जाएं, और केवल बांड से और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड और ऑप्शनल करके आधार कार्ड, इसी प्रकार करके आप कागज मांगे, जब दोबारा पोर्टल खुले तो इसी प्रकार कागज मांगे। हमारा यही रिक्वेस्ट है सेबी से दोस्तों, चैनल के माध्यम से, और लोगों का भी यही कहना है। दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा दोस्तों। दोस्तों हम बार बार ही अपील करते हैं उन लोगों से जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो जो पीएसएल का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगेनिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस बात को उठाते क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है, और सार्वजनिक करें प्रत्येक एप्लीकेशन जिनके पास बांड है उसका, जो है कि पारदर्शिता दिखाए सेबी अपने साइट पर, कि प्रत्येक एप्लीकेशन, प्रत्येक बांड जो लोगों के पास जमा है, सभी बांड का ओपिनियन करे कि हाँ इस एप्लीकेशन का इतना पैसा है सेबी के पास, इस एप्लीकेशन का इतना पैसा सेबी के पास है, तो इस प्रकार करना चाहिए। लोगों के पास कितनी रसीदें हैं कितनी नहीं है, इस बात को गौर क्यों कर रही है, क्या सेबी के पास डाटा नहीं है? अगर डाटा नहीं है तो इसका भी स्पष्टीकरण दे कि हमारे पास पीएसएल का कोई डाटा नहीं है, जिस आधार पर पीएसएल के लोग हमें रसीदें मुहैया कराएंगे वो सही तरीके से फार्म फिलअप करके देंगे, तभी हम पैसा देंगे, अन्यथा हम पैसा नहीं देंगे। दोस्तों इस प्रकार से बेईमानी करेगी, अगर वो बार बार कह रही लोगों ने गलत फार्म फिलअप किया,
इसलिए हम पैसा नहीं देते। दोस्तों हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सेबी से, लोढ़ा कमेटी से, सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी फार्म फिलअप करने की बारी आए तो पोर्टल पे ना करवाए तो कुछ ऐसे लोगों को जो एक्सपर्ट हों नेट चलाने में, कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हों, ऐसे लोग जो गलतियाँ ना करें, ऐसे चुनिंदा लोगों को या तो तैयार करके जगह जगह गांव, तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों